Hi students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today we are going to do a poem, very beautiful, that is a metaphysical poem by Andrew Marvell, and the name of the poem is To His Coy Mistress. Jise likha Andrew Marvell ne, this is from SCC 4 unit 2 for semester 2 English honors. Aaj hum log padhne wale hain To His Coy Mistress, iska matlab hota hai apni sharmili premika se. यानी कवि जो है अपनी शर्मिली प्रेमिका से बातें कर रहे हैं. दिस इज अ मेटाफिजिकल पोएम, ये एक प्रकार की मेटाफिजिकल पोएम है. आइए हम लोग देखते हैं क्या खास है इस पोएम में. लेट अस नो द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम फर्स्ट. द पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज अ मेटाफिजिकल पोएम बाय एंड्रू मार्वेल, बॉर्न इन 1621 एंड डाइड इन 1678, अ मेटाफिजिकल पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड. तो यहाँ जो है कॉय मिस्ट्रेस जो एक मेटाफिजिकल पोएम है जिसे लिखा है एंड्रू मार्वेल ने, और जिनका जन्म 1621 में हुआ, 1678 में उनकी मृत्यु हो गई. वे एक मेटाफिजिकल पोएट थे 17वीं शताब्दी इंग्लैंड के. मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज प्राइमरली नोन फॉर द यूज ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर एंड कंसीट. मेटाफिजिकल पोएट्री जो था पहले ये धार्मिक भी हुआ करता था, और इसमें जो यूज़ हुआ करता था वो एक्सटेंडेड मेटाफर का, बहुत ही विस्तृत रूप से मेटाफर्स का यूज़ किया जाता था, यानी रूपक अलंकार का यूज होता था, कंसीट्स का यूज होता था, एज वेल एज अनलाइकली कंपैरिजंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड वर्ल्डली आइडियाज, और जो समानता नहीं भी हुआ करती थी वैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ कंपैरिजन भी इसमें किया जाता था. द टर्म मेटाफिजिकल वॉज अप्लाइड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स, मार्वेल अमंग देम. तो 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें एंड्रू मार्वेल भी थे. द पोएम्स टेंडेड टू हैव सम फिलोसफिकल बेसिस, ऐसी कविताओं में कुछ फिलोसफिकल बेसिस होते थे, यानी दार्शनिक आधार हुआ करता था. एंड दिस कंबाइंड विद एक्सपेरिमेंटल स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स हेल्प टू कैरेक्टराइज देम एज मेटाफिजिकल, और इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स हुआ करते थे जो कि कैरेक्टराइज करता था मेटाफिजिकल पोइट्री को. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे इस पोएम को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ मेटाफिजिकल पोएम. लेट अस टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. क्या है थीम इस पोएम का? द पोएम सीम्स टू सर्व टू पर्पसेस टुगेदर. इस पोएम में दो पर्पस एक साथ दिखाए गए हैं. फर्स्ट, टू परसुएड द मिस्ट्रेस टू लव, एंड सेकेंड, टू कमेंट ऑन मोर्टैलिटी इन इट्स इनएविटेबिलिटी एंड ग्रोटेस्कनेस. इसमें दो चीजों पर बात की गई है. पहला तो है कि अपनी प्रेमिका को कवि जो है मना रहा है, और दूसरा है कि वो दूसरी तरफ बता रहा है कि किस प्रकार हमारा जीवन जो है वो मॉर्टल है, किस प्रकार हम लोग मरणशील हैं, और मौत हमें आती ही आती है, और इसके क्रूरता को भी दिखाया गया है. ठीक है, इट इज द मोर्टैलिटी ऑब्जेक्टिव विच एड्स द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट टू दिस लव पोएम. इसमें जो मोर्टैलिटी जो है इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर इस कविता को एक फिलोसॉफिकल टच देता है. This poem is admired for its metaphysical imagery, which has greatly been shown by the poet. इसमें poet ने metaphysical imagery को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है और दिखाया है. Now let us talk about the beginning of the poem. Poem की शुरुआत कैसे होती है? To his coy mistress is divided into three stanzas or poetic paragraphs. ये three stanzas में या poetic paragraphs में बटा हुआ है. It is spoken by an unknown man. यह जो कविता है बोली जा रही है, भले ही कवि ने लिखा है लेकिन इसमें अननोन व्यक्ति की तरफ से कविता में बोला जा रहा है. हु डजंट रिवील एनी फिजिकल और बायोग्राफिकल डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ. वो अपने बारे में नहीं बताता है वह कौन है, और अपने डिटेल्स को नहीं बताता है जो व्यक्ति है कविता में. टू एन अननोन वुमन, एक ऐसी स्त्री से जो कि उसकी प्रेमिका है. हु इज ऑल्सो एनोनिमस, जो कि गुमनाम है, उसका भी कोई नाम नहीं है, कोई डिटेल नहीं है. इन द फर्स्ट स्टैंजा द मैन टेल्स द मिस्ट्रेस दैट If they had more time and space, her coyness wouldn't be a crime. कवि की जो प्रेमिका है, यानी उस व्यक्ति की जो प्रेमिका है, वो बहुत ही शर्मिली है, और वो पहले स्टैंजा में वो कहता है कि अगर हमारे पास बहुत समय होता तो ये शर्मिलापन जो है वो एक प्रकार का अपराध नहीं होता, और हम तुम्हारे शर्मिलेपन पे कुर्बान होते, बहुत समय तक तुमको मनाते. लेकिन he extends this discussion by describing how much he would compliment her and admire her if only there was time. लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता, उसकी तारीफ वो कर पाता जब उसके पास बहुत ज़्यादा समय होता. वह कॉम्प्लीमेंट करता उसको, उसकी तारीफ करता,
उसके शरीर के एक एक अंग की तारीफ करता और लंबे समय तक करता। इसके उदाहरण आप कविता में टेक्स्ट में देख सकते हैं। He shows how everyone has very limited time in this world which is flying. वह दिखाता है कि किस प्रकार समय उड़ता जा रहा है और हर व्यक्ति के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है जो कि बीत रहा है। He would focus on each part of her body until he got to the heart. और वो कहता है कि अगर उसके पास समय होता तो उसके हर एक अंग की तारीफ सालों साल तक, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तारीफ करता और जब तक कि उसका हृदय नहीं पूरी तरह से संतुष्ट होता। हार्ट हेयर इज बोथ अ मेटाफर फॉर सेक्स एंड अ मेटाफर फॉर लव। यहाँ हार्ट जो शो किया गया है वो एक मेटाफर है जो एक सेक्स के लिए आ सकता है और मेटाफर फॉर लव है, ये दोनों चीजों को दिखाता है। थिंग ऑफ टाइम एंड मोर्टैलिटी, सेकेंड स्टैंजा में जब हम आते हैं हम क्या पाते हैं? इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज दैट दे डोंट हैव द टाइम, चूंकि उनके पास समय नहीं है, दे आर अबाउट टू डाई, वे मरने वाले हैं। ही टेल्स हर दैट लाइफ इज शॉर्ट, वो बताता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, बट डेथ इज फॉर एवर एंड इनएविटेबल, जिंदगी छोटी भी है और मृत्यु का आना भी तय है, ठीक है, अवश्यंभावी है। इन अ शॉकिंग मोमेंट, बड़े ही शॉकिंग मोमेंट में वह कहता है, वार्न्स हर, वो उसको चेतावनी देता है अपनी प्रेमिका को, व्हेन शी वुड बी इन द कॉफिन और इन ग्रेव, जब वह कॉफिन में जिसमें मरने के बाद बंद किया जाता है बॉक्स, या कब्र में हो जाएगी, कब्र में दफनाया जाएगा। वार्म्स विल ट्राई टू टेक हर वर्जिनिटी, जो कीड़े हैं उसके शरीर को खा जाएंगे, उसके वर्जिनिटी को खत्म कर देंगे, उसके कौमार्यता को खत्म कर देंगे। इफ शी डजंट हैव लव एंड सेक्स विथ हिम बिफोर दे डाई, अगर वे दोनों मरने के पहले अगर सेक्स नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, तो उसकी जो कौमार्यता है यानी वर्जिनिटी वो खत्म हो जाएगी। इफ शी रिफ्यूजेस टू हैव मेकिंग लव विथ हिम, अगर वह इनकार कर देती है प्रेम करना उससे, देर विल बी रिप्रकशंस फॉर हिम टू, और ये कहता है कि अगर वो इनकार कर देती है तो इसका अंत तो आएगा ही आएगा और वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी जवानी खत्म हो जाएगी, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ऑल हिज सेक्सुअल डिजायर विल बर्न अप टू, यहाँ तक कि उसके अंदर की जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी खत्म हो जाएगी, एसेज में बदल जाएगी, राख में बदल जाएगी, फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए। तो इस तरीके से थीम ऑफ टाइम एंड मोर्टैलिटी को दिखाया गया सेकेंड स्टैंजा में। पर्सुएशन आफ्टर आर्ग्यूमेंट, जब ये आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो वो राजी करना चाहता है अपनी प्रेमिका को, व्यक्ति जो कविता में बात कर रहा है। सो इन द थर्ड स्टैंजा ही सेज दैट, थर्ड स्टैंजा में वो कहता है, ही हैज ऑलरेडी टोल्ड हर व्हाट विल हैपन व्हेन शी वुड डाई, जब वो मर जाएगी तो क्या क्या उसके साथ होगा वो पहले ही बता चुका है। सो दे मस्ट हैव सेक्स व्हाइल दे आर स्टिल यंग, ही रेफर्स टू द बर्ड्स सेइंग हे लुक एट दोज बर्ड्स ऑफ प्रे मेटिंग, और वह राजी करता है और इशारा करता है कि जब तक वो जवान है तब तक ये सेक्स कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, और वह इशारा करता है उन पक्षियों की तरफ जो शिकारी पक्षी होते हैं, कैसे वे मेटिंग कर रहे हैं, कैसे वो लव कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। दैट्स हाउ दे शुड डू इट, ठीक उसी प्रकार इनको भी करना चाहिए, बट बिफोर दैट लेट देम हैव अ लिटिल वाइन एंड टाइम, इसलिए इसके पहले उनके पास कुछ शराब हो जाए, कुछ समय ये बचा लें, आपस में मिल लें। देन ही वॉन्ट्स टू प्ले अ गेम, उसके बाद वह एक गेम खेलना चाहता है। दे टर्न देमसेल्फ इन टू अ बॉल गेम, और एक बॉल गेम में वो शामिल हो जाते हैं। ही सजेस्ट फर्दर मोर दैट दे रिलीज ऑल देयर सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन इन टू द सेक्शुअल एक्ट एंड इन दिस वे दे कैन बी फ्री, अगर वे किसी प्रकार से सेक्शुअल एक्ट में शामिल हो जाएं तो इनके जितने भी फ्रस्ट्रेशन हैं, जितने भी तनाव हैं, जो भी सप्रेस्ड इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, वो सेक्शुअल एक्ट से खत्म हो जाएंगी और वे आजाद हो जाएंगे, इस काल चक्र से वे आजाद हो जाएंगे। फाइनल अर्ज ऑफ द पोएट, अंततः कवि क्या विनती करता है, क्या कहना चाहता है? इन द फाइनल कपलेट ही काम्स डाउन अ लिटिल, फाइनल कपलेट में वो थोड़ा शांत हो जाता है। ही सेज दैट, वह कहता है, आवर लव मेकिंग कांट मेक द सन स्टॉप मूविंग, वह कहता है कि हमारे प्रेम करने से सूर्य का घूमना बंद नहीं हो जाएगा। पहले जमाने में लोग मानते थे कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन यह चूंकि उस समय साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इसलिए ऐसा कवि ने लिखा है। ही फर्दर सेज दे कांट मेक टाइम स्टॉप बट दे कैन चेंज प्लेसेस विद इट, वह कहता है कवि कि वे समय को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं लेकिन वे स्थिति को बदल सकते हैं, ठीक है। वेन एवर दे हैव फिजिकल लव, जब कभी भी उनके बीच फिजिकल लव होगा, दे परस्यू टाइम, वो समय को साथ में लेकर चल रहे हैं, इंस्टीड ऑफ टाइम परस्यूइंग देम, न कि समय उनके साथ चल रहा है। टू हिज क्वाइन स्ट्रेस,
offers us a chance and leave with us to explore some of those confusing thoughts about the thinking of love and sex. तो टू हिज क्वेमिस्टर्स जो है वो हमें मौका देता है, चांस देता है और हमें छोड़ देता है एक्सप्लोर करने के लिए कंफ्यूजिंग थॉट्स के साथ, जिसमें हमें ढूंढना है, सोचना है कि लव एंड सेक्स जो इसमें बताया गया है इस पे और भी क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं जो कवि कहना चाहता है. सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, हम कंक्लूजन में क्या पाते हैं. दस रियली द पोएम इज अ ट्रू अकाउंट ऑफ मेटाफिजिकल थीम ऑफ राइटिंग विद मेटाफर्स एंड कंसीट्स. अंततः हम देखते हैं कि ये जो पोएम है वो सचमुच एक ट्रू अकाउंट है, मेटाफिजिकल थीम पर आधारित एक कविता है जिसमें मेटाफर्स और कंसीट्स का यूज किया गया है. इट टेक्स द रीडर्स टू थिंक एंड एक्सप्लोर मोर इन टर्म्स ऑफ लव, सेक्स, टाइम, मोर्टैलिटी एंड इनएविटेबल डेथ. और हमारे बीच जो थीम बच जाता है डिस्कस करने के लिए है, एक्सप्लोर करने के लिए, वो है लव है, सेक्स है, समय है, मोर्टैलिटी है जिसको हम कहते हैं मरणशीलता, और मौत का अवश्य आना. ये सारे थीम हमारे बीच डिस्कशन के लिए बच जाते हैं. When we talk about the meter of the poem, जब हम poem के meter की बात करते हैं, it is written in iambic tetrameter and rhymes, जो इसकी rhyming scheme है वो couplets में है, और AA, BB, CC, DD इसी प्रकार चलता गया है अंत तक. So इस तरीके से हम इसका conclusion देखते हैं. तो इसमें जो metaphors और conceits की बात की गई है आप वो देख सकते हैं, जब कविता का आप text पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं. So dear students, I hope you understand. Thanks a lot for watching the video. Keep on watching. Like, share and subscribe the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.